स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बार के विधायक और वर्तमान में मुरादाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी ने बड़ा बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी की 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसके संकेत दे दिए हैं। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। दोस्तों क्या है पूरी खबर, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और पूरी जानकारी के साथ इस खबर से रूबरू कराएंगे। लेकिन अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए देखते हैं और पूरे देश में बदलाव की बयार बहते हुए देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। मुरादाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, कहा है मुश्किल होने जा रहा है ये चुनाव। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। दरअसल बीजेपी के लिए मुरादाबाद सीट बचानी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में 74 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी साफ तौर पर कहता हुआ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बचाना बेहद मुश्किल है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी से है, जो अक्सर आक्रामक रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हैं। सर्वेश को इस सीट पर हो रहे चुनाव के लिए सबसे बड़ी कड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिल रही है और दोस्तों उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं अंदर खाने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। और दोस्तों उनके बयान के बाद लगातार कयास लगाए जाने लगे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर, जहां पर दोस्तों बीजेपी के प्रत्याशी ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुश्किल होने जा रहा है उनका चुनाव। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने भी कहीं ना कहीं हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों यूपी के बाराबंकी में रेलवे टिकट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापने का मामला निकलकर सामने आया है। रेलवे के 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दें कि यूपी के बाराबंकी के अंदर रेल टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापने का मामला सामने आया है। रेलवे के 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि रेलवे टिकटों पर प्रधानमंत्री की कोई फोटो नहीं छपेगी। इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। यह मामला यूपी के बाराबंकी का है। इस मामले में रेलवे के 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। यहाँ के एडीएम ने बताया है कि 13 अप्रैल को टिकट कर्मचारी ने गलती से पुराने टिकट पर शीट करके प्रिंट कर दिया था। इस मामले की कार्रवाई की गई है और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर रेलवे टिकटों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपे जाने को लेकर इस मामले में चुनाव आयोग ने रेलवे को नोटिस दे दिया है। यानी बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर लगी फोटो से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले को अंदर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी के साथ दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर प्रचार पर बैन लगने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर पूरे देश में सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। इस बीच नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में देश की राजनीति से जुड़ा हुआ अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से बैन लगाया है उसका तोड़ ढूंढते हुए योगी आदित्यनाथ हनुमान मंदिर नजर में दिखे हैं और दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर वेल्लोर सीट पर चुनाव कैंसिल कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची है इलेक्शन कमीशन। तमिलनाडु के वेल्लोर सीट से अब अटकलों पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा है कि इस सीट पर चुनाव रद्द किए जाना चाहिए, क्योंकि भारी मात्रा में पैसे बरामद हुए हैं। इसको लेकर चुनाव रद्द करने की योजना भी पूरी तरह से तैयार की जा रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों चुनाव आयोग के अधिकारी पर आज होगी सुनवाई। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। चुनाव आयोग के हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और कोर्ट ने पहले ही फटकार लगा चुका है। चुनावी मौसम के अंदर नेताओं के विवादित बयानबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से एक्शन लेने को कहा था। आयोग ने दलील दी थी कि उसके पास सीमित अधिकारी हैं। हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के बैन के बाद योगी आदित्यनाथ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर योगी पर 72 घंटे का बैन लगाया गया है। अब योगी प्रचार की बजाय भगवान के दरबार पहुंच रहे हैं, जहां पर मंगलवार को हनुमान सेतु मंदिर के अंदर पहुंच के उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसी के साथ दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर अहमद पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहा है कि अब आम आदमी पार्टी के खाते में गेंद है। यानी दोस्तों उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोई विरोधी के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने का फैसला लिया है और अब अंतिम फैसला आम आदमी पार्टी को करना है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन बनना चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों घंटी को दबाकर अपने लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर राजनाथ सिंह करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज के बाद चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह भी उतर जाएंगे। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व में उत्तर प्रदेश के दिग्गज सांसद रहे राज बब्बर को लेकर बड़ी खबर आई है। बसपा के नेता गुड्डू पंडित की राज बब्बर को खुलेआम धमकी, दौड़ाकर पीटने का धमकी देते
करते हुए नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक तमाम तरह के नेताओं ने दूसरे पर हमला बोलने की प्रतिस्पर्धा जारी हो गई है। मर्यादाएं तक भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश के बसपा के उम्मीदवार गुड्डू पंडित ने कांग्रेस के नेता राज बब्बर को लेकर अपशब्द कहे हैं और खुले आम मारने की धमकी दी है। गुड्डू पंडित फतेहपुर सीकरी से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार है। गुड्डू पंडित ने कहा है कि सुन लो राज बब्बर और दोस्तों, तमाम तरह की गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर जूतों से मारने की बात कही है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर ना लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अपने निशाने पर लेते हुए मायावती के नेता नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मायावती इस पर क्या एक्शन लेती है, हम आपको पल पल के अपडेट के तहत रूबरू कराते रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। एक और बेहद बड़ी खबर देते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लिया तो नौसेना के पूर्व अधिकारी ने चुनाव आयोग को खत लिख दिया है। दरअसल नौसेना के पूर्व कमांडर और लोकेश बत्रा ने होर्डिंग चुनाव आयोग से शिकायत की है और सेना के राजनीतिकरण के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल दोस्तों सेना के राजनीतिकरण के खिलाफ 150 से अधिक पूर्व सैनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और वन रैंक वन पेंशन जैसे सेना से जुड़े मुद्दे को लेकर लोकसभा में भुनाने का जो मामला निकल कर सामने आया है वो और गरमाता हुआ नजर आया है। बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकियों पर कार्रवाई और वन रैंक वन पेंशन के मामले को लेकर क्रेडिट लेते हुए तमाम जगह होर्डिंग लगाए हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर ने बड़ा बयान देते हुए होर्डिंग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीटीवी से बात करते हुए कमांडर जो रिटायर्ड है लोकेश बत्रा, उन्होंने कहा है कि मुंबई के अंदर पैडर रोड समेत कई इलाकों में सेना पर कार्रवाई का क्रेडिट और होर्डिंग लगाए गए हैं। अन्य शहरों की तरह के होर्डिंग लगे हैं होने की संभावनाएं हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों की पूरी तरह उल्लंघन है और दोस्तों चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग लोकेश बत्रा की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और इसकी स्क्रूटनी जारी है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आगरा से राहुल गांधी के साथ मिलकर न्याय यात्रा की शुरू की है। न्याय यात्रा शुरू करने के साथ ही अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंदर कूदती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि आगरा के अंदर बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए थे, जिन्होंने साफ तौर पर खुला समर्थन कर दिया है प्रियंका गांधी को। दोस्तों लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनाव आयोग को लिखे खत में कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सेना के इस्तेमाल करने को लेकर भी तीखा तंज कसते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ और आजम खान के बैन करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सराहना की है और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ पर किए गए कांग्रेस पार्टी कार्रवाई का सम्मान करती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुलवामा वाला बयान देकर शहीदों के नाम पर वोट मांगने के मामले को लेकर भी सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से मांग की है कि जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको बता दें दोस्तों पल पल के अपडेट के तहत सारी बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराई है। चावर पहली बड़ी खबर में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके लिए चुनाव मुश्किल होने वाला है, यानी दोस्तों अपनी हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमने आपको बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद के प्रत्याशी ने बड़ा बयान दे दिया है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सभी चोरों के नाम के आगे मोदी ही क्यों होता है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर राहुल गांधी की शिकायत बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, सभी के नाम के आगे मोदी कैसे लग जाता है, सभी को उन्होंने चोर भी बता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि आखिर सबके आगे चोर क्यों लगा हुआ है जो मोदी कहलाते हैं। यानी दोस्तों सीधे तौर पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी भगोड़े व्यवसाय नीरव मोदी और आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी का हवाला दे रहे थे। यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बड़ा निशाना साधना शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी इससे बौखलाई हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। इससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे, सारी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे, एक एक करके आपको सारी जानकारी हमने पहुंचा दी। आपको एक खबर कैसी लगी, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना तो बेहद ही जरूरी है। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जाने से पहले एक चीज बता सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सबसे ज्यादा हवा चल रही है और दोस्तों कौन सी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे आगे नजर आ रही है, आपके कमेंट का हमें लगातार रहेगा इंतजार। आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा की गई कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह की कार्रवाई की और मांग करते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।